जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। थोड़ी सी हंगामा आराई हो गई थी, लेकिन सिचुएशन कंट्रोल करने की हमने कोशिश की है। अब जरा हल की बात करते हैं कि तमाम मामलात का हल क्या है। हल आपने बताना है, वाइस चेयरमैन, चेयरमैन किस तरह से ये मामला ठंडे दिमाग से हल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वाइस चेयरमैन और चेयरमैन का तो इस जगह पे कोई कंसेप्ट ही नहीं है। चेयरमैन का ये हाउस है, वाइस चेयरमैन का तो हाउस जो जोन में है, तो वो भी इस गवर्नमेंट ने नहीं बनाया था, जो सबका गवर्नमेंट थी। तो अभी रिसेंटली ये है कि जो चेयरमैन नज़र आते हैं उनको इक्वल फंड, हमारा मुतालबा तो यही है कि इक्वल फंड दिए जाएँ सभी यूनियन काउंसिल्स को या तमाम मेंबरान को। अगर 274 यूनियन काउंसिल हैं तो उन सबको इक्वल फंड दिए जाएंगे। ये नहीं कि कुछ होता है तो उसमें 1 करोड़ रुपए अपनी मर्जी से मेयर साहब लगाएं, ये ज्यादती है बाकी चेयरमैनों के साथ। वो लोग जो चेयरमैन हजरात इस असम्बली के मेंबर हैं, वो भी वोट लेके आए हैं, उनके सामने भी उनके हलके के अवाम के मसाइल हैं, जिसको बारह दफ़ा मीडिया भी उजागर करता है। और अगर उनके पास हलकों की बात करें और लाहौर शहर की बात करें, पंजाब की बात करें, तो हमारे यहाँ तो गटरों के ढक्कन के लिए भी मीडिया को कॉल की जाती है कि एक बच्चा गिर गया है, मर गया है और गटर का ढक्कन नहीं था। लेकिन इस तरह से वावेला मचाया जाता है यहाँ पे फंड्स के लिए कि जैसे हमारे पूरे शहर में गटरों के ऊपर सुंदर और खूबसूरत ढक्कन ही ढक्कन होंगे। मैंने कुछ 4-5 दरखास्तें दी है, मेरे पास रिसीविंग ही है ढक्कनों के लिए। कभी कहते हैं इमो के पास जाओ, कभी कहते हैं किसी के पास जाओ, मेयर साहब से पूछते हैं तो कहता है घर से लाओ, यूनियन काउंसिल से। मैंने कहा कि यूनियन काउंसिल आप हमें दें जो अपना बनता है, लेके मैं जो कह रहा हूँ, मैं कह आपकी जबान से नहीं, आप मुझे जो भी ऑर्डर करें लिख के दें, मुझे भी यूनियन काउंसिल लगा लें। हल बताएं तमाम मामलात का, हल क्या है? हल यही है कि मेयर साहब से हमने रिक्वेस्ट की थी आज से 2 साल पहले, करारदादे पेश की थी कि आप हर टाउन वाइज चेयरमैन को बुलाएं, चेयरमैन से मीटिंग करें, चेयरमैन के नाम का आपको पता होना चाहिए। है अभी 2530 चेयरमैनों के नाम का पता है, अच्छा। मेयर साहब को, अच्छा। डिप्टी मेयर साहब को, अच्छा। सब को, किसी चेयरमैन के नाम का ही नहीं पता। बातें बस हंस के चले जाते, जिसकी कारकर्दगी अच्छी हो सिर्फ उसी का नाम मालूम होगा। नहीं, जो शोर मचाता है, अच्छा। उसका नाम मालूम है, अच्छा। जो शोर नहीं मचाते उससे कभी हाथ ही नहीं मिलाया। ऐसी बात है जी, बिल्कुल वो सही कह रहे हैं जो भाई कह रहे हैं। लेकिन जो आप अभी कह रही हैं ना फंड का, ये तो पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को फंड दें, वो नीचे चेयरमैन को फंड दें। हमारा सिर्फ यही मुतालबा है कि हमारी कमेटियाँ बनाई जाएं और जो फंड है वो सारे चेयरमैनों में बराबर तकसीम किया जाए। ये चूजिंग नहीं होनी चाहिए कि फलां चेयरमैन को दे दिया, फलां को नहीं दिया। हम चाह रहे हैं कि पूरे लाहौर जरूरत पड़े चेयरमैनों में, चेयरमैनों को तमाद में ले। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि अब चेयरमैन ये कहते हैं कि क्योंकि हम कोई और कारोबार नहीं करते तो हमारे यहाँ हमारे लिए जो है ना कोई मखसूस रकम मुतय्यन कर दी जाए ताकि हमारा घर बार और झूला चलता रहे। ये भी बात हुई, बात नहीं है, ये बात कोई नहीं है। सियासी इलेक्शन हुए हैं, सियासी पार्टियों का काम है वर्कर का खिदमत करना। खिदमत करने के लिए ये सारी टीम है लाहौर की, ये आज से नहीं बनी हुई, ये बीटी मेंबरी भी चलती रही है, ये सारी जेब से खर्च करने वाले लोग हैं। असल मेयर साहब भी खाली हो तो कैसे खर्च करेंगे? खाली नहीं होती, जो इलेक्शन लड़के आता है, जो इलेक्शन लड़के आता है उसकी जेब खाली नहीं होती। कैसे पैसा कैसे आता है फिर? पैसा अपने कारोबार करते हैं सब, ये सब करते हैं, ये बात नहीं। असल मेयर साहब से इख्तलाफ क्या है कि सारा इख्तलाफ यही है कि उनके साथ रवैया, लोग दोस्त कह रहे हैं कि अच्छा नहीं है, यही रवैया मामला है। अगर परसों ये पार्टी मीटिंग जो रखी हुई थी पार्लिमानी पार्टी की, मेयर साहब लाहौर को अपना उधर मेयर हाउस में मीटिंग बुला लेते, इसको कैंसिल ना करते, ना कल का वाकया होता ना आज का ये वाकया होता। जी हल बताइए, तमाम मामलात का हल क्या है? इसका हल ये है, मेयर साहब बैठे, हमें सबको चेयरमैनों को वहाँ बुलाएं, चेयरमैन जाएंगे, मेयर को मियां नवाजशरीफ ने बनाया हुआ है, ये मेयर जो है चेयरमैन जो है मुस्लिम नवाजशरीफ के बहुत करीब है। कर्नल साहब जी, मियां नवाजशरीफ साहब के साथ करीब हैं तो उनको लॉर्ड मेयर अनाउंस किया गया है, और दूसरे नंबर के ऊपर मियां नवाजशरीफ साहब के सब करीब थे, तो हर यूनियन काउंसिल से चेयरमैन उन्होंने टिकट के लिए अनाउंस किया और इंशाल्लाह जीत के आए भी और आइंदा भी इंशाल्लाह जीते चलते आएंगे। दूसरे नंबर के ऊपर जहाँ तक रहेगी लॉर्ड मेयर साहब की बात, लॉर्ड मेयर साहब देखें पूरे लाहौर के अगर हेड हैं तो उनको पूरे लाहौर को साथ लेकर चलना है और सबसे मुशावरत से चलना है, ये नहीं कि किसी से अगर मुशावरत नहीं करेंगे। तरीके इंसाफ का कोई आज आप लोगों ने नाम दे लिया? कोई नहीं, तरीके इंसाफ का कोई नहीं। अच्छा मेरी बात सुने, तरीके इंसाफ का नाम नहीं लिया कि आप तरीके इंसाफ की जमात से इतने मुतमईन हो गए कि आज की कार्रवाई में आप अपने ही लोगों के पीछे पड़ गए? हम यही तो कह रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट जो है फंड दे, पंजाब गवर्नमेंट फंड दे,
मसला ये है, ये जितनी आज ये हमारे हाउस में हुई ना गामा रही, ये सिर्फ एक थोड़ी सी गलत फहमी की बुनियाद पे हुई है। ये जो हमारे मेयर साहब ने हमारे जो दो चेयरमैन साहब उनके पास गए थे, उन्होंने जो उनके साथ रवैया अख्तियार किया वो उनको नहीं करना चाहिए था। हाँ, जो उनके साथ हुआ है वो यहाँ पे हाल पे हम सबको बता देते हाउस में कि हमारे साथ मेयर साहब ने ये बात की है कि हमें हमारे साथ रवैया सही नहीं किया, तो हम सब इकट्ठे थे जब पंजाब हुकूमत खलोते सी ना, उन्होंने सारे नु कल दसिया सी हफ्ता पहले, उन्होंने सारा हर चीज का पता सी। सर साढ़े तक तो तलाई साढ़े तक तलाई कोई नहीं, अगर होंगी अगर ये तलाह होती तो हम सब इकट्ठे थे। ये जितनी सवाल आखिरी सवाल मेरा सवाल ये है कि जब पंजाब हुकूमत फंड जारी नहीं कर रही है, अब वो MPAs के थ्रू तरक्याती काम करवाएगी, तो आप लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? नहीं जी, असल में ये जो डेवलपमेंट के काम है ये चेयरमैन उन्हें करवाने हैं, ग्रास रूट लेवल पे पूरी दुनिया में ऐसे होता है। तो हमारा MPA होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, चेयरमैन होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, तो ये काम कैसे होंगे? अब काम तो बिल्कुल रुके हुए हैं, कोई काम नहीं चल रहा है इस वक्त। जब तक बलदियाती मसवदा नहीं आएगा, जब तक तरीके इंसाफ अपना कानून नहीं पास करवा लेगी, ये काम तो रुके हुए हैं। और इनके तरक्याती कामों पर तो बैन तो नहीं लगा हुआ और ना ही कोई लिख पर नोटिफिकेशन आया हुआ है, ओनली वर्बली रोका हुआ है। और इसके हवाले से मेयर लाहौर ने इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पटिशन भी दायर कर दी है कि हमारे साथ क्या क्या मसाइल हो रहे हैं। अच्छा, वो जंग को छोड़ लाना चाह रहे हैं, यहाँ पे जंग को छोड़ शुरू हो गई है, महाज राय जो है वो हो गई है, दरवाज़ा खुल गया है। अब ये चेयरमैन बेहतर हैं, कल को 80 भी हो सकते हैं, 150 भी हो सकते हैं, मगर क्या पता कल को कोई इनको पीछे से इनकी पार्टी से कॉल आए तो ये खामोश हो जाएं, ये माइक पर ही ना आए, हमारे माइक पर भी ना आए, क्योंकि आज भी मुश्किल आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। जिंदाबाद जी, मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, सबके लिए। आपकी मुस्लिम लीग नून तो जिंदाबाद है, मगर आपका हाउस जो है वो सलामत रहेगा तो मुस्लिम लीग नून सलामत रहेगी ना। ये जो मेरी बात सुने पहले, ये जो हाउस के कंसोर्टियन है, मेयर साहब हैं, डिप्टी, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है, उन्होंने ऑर्गेनाइज नहीं करना इन चीजों को, ये चेयरमैन उन्हें करना है, चेयरमैनों के साथ बात। बिल्कुल, ये मेयर लाहौर की जिम्मेदारी है कि भी ना मिले चेयरमैनों को, फंड भी ना मिले चेयरमैनों से, बदतमीजी भी हो तो चेयरमैन ही सारा कुछ करेंगे, मेयर और डिप्टी मेयर ये कुछ नहीं करेंगे। तो पार्टी ने इनको बनाया, पार्टी ने हमें टिकट दिया, हम नून लीग के टिकट पे चेयरमैन बन के इधर आ गए, मेयर डिप्टी मेयर भी पार्टी ने बनाए ना, तो उनकी जिम्मेदारी नहीं है चेयरमैनों को मैनेज करें, ऑर्गेनाइज करें। आप चेयरमैन ने, अभी लास्ट सवाल है क्योंकि प्रोग्राम का अख्तितम भी मैंने करना है, अब जो तरक्याती फंड्स हैं वो MPA को मिलेंगे और MPA पाकिस्तान मुस्लिम तहरीक इंसाफ के होंगे, आपके साथ किस तरह से कोलेबोरेशन होगी, आप उनके अम्ब्रेला के अंडर किस तरह से तरक्याती काम करेंगे, UC चेयरमैन, वाइस चेयरमैन मुस्लिम लीग नून के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPAs, क्या क्या स्ट्रेटजी तैयार की है उन्होंने? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हम MPA की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो लॉर्ड मेयर की बात कर रहे हैं ना, लॉर्ड मेयर हमें फंड दे ना, लॉर्ड आप एक लॉर्ड दे, कितने MPA गए ना PTA दे, एक या दो, वो और डिबेट है जो आप बात कर रही है ना, वो लाहौर में तो ये इशू नहीं है ना। कैसे काम कैसे होगा फिर? सर काम तो इनका रुका हुआ है, मैं पहले आपको बता रहा हूँ, काम मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का तब तक नहीं होगा जब तक काम चलेगा कैसे, अब होगा क्या हल बताइए। वो मदीहा MNR के फंड थे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के फंड होते हैं जो उन्होंने लगाए, जिसके ऊपर फड्डा पड़ गया। ये बात भी सच है की लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA है ही कितने? नहीं, MPA नहीं है तहरीक इंसाफ के, मगर है भी, और देखे उनकी गवर्नमेंट है, सरकार के अफसर ने, मैं ये बात कह रहा हूँ कि दो साल हो गए हमारे, मैं पैच वर्क है, वो कितने के पैसे लगते हैं उसमें, गवर्नमेंट का अपना प्लांट है, कॉर्पोरेशन का अपना प्लांट है, आज तक पैच वर्क की को चेयरमैन बता दे किसी के पास गाड़ी गई है, क्यों नहीं गई, पहले भी हम इधर रहे नाद में रहे, ये सारे काम क्यों रुके हैं? क्योंकि लोगों के घरों के आगे पानी खड़ा हो जाता है, पैच वर्क नहीं हो रहे हैं, लोग परेशान है, तकलीफ में है। मैं कह रहा हूँ कि ये पंजाब गवर्नमेंट ने भी फंड रोके हुए हैं, सबसे मेन जो PTE की गवर्नमेंट आई है उन्होंने सारे फंड रोके हुए हैं, ना वो कोई सिस्टम बना रहे हैं, वो ये सारा खजाना खाली है, आप सारे आपकी हुकूमत जो है, आपकी पार्टी जो है, वो सारा खजाना खाली करके गई है, अब हमारे पास पैसे नहीं है, कोई खजाना नहीं लेके गया, सारा खजाना भी इधर पड़ा है, पैसे भी सारे इधर पड़े हैं, गवर्नमेंट ऐसे नहीं चलती, गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, अब क्या हो गया आपको, अरबों रुपया पंजाब गवर्नमेंट के पास है, तो सारे काम वो कर रहे हैं जो उन्होंने काम करने हैं। यहाँ से शुरू करते हैं प्रोग्राम का अख्तितम, यहाँ से शुरुआत करते हैं, कमेंट्स दीजिए, अपने अपने राय दीजिए, हाल दीजिए, मामला कैसे सेटल डाउन हो सकते हैं? देखिए बलदियात जो है ना वो अपने तहत काम करता है और बलदियात का एक अपना फंड होता है जिसका हम बजट पास करते हैं साल में एक दफ़ा, जब इसका बजट पास हो गया तो फंड ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। अब सेक्टर लोकल गवर्नमेंट ने एक वर्बली ऑर्डर के जरिए PTA की चूंकि हुकूमत आ गई है उनके कहने पे ये हमारे फंड रोक लिए हैं, हमारा जो अभी आज के उसमें जो बदमजगी हुई है वो हमारा फंड्स के रिलेटेड काम था, सिर्फ मेयर साहब के रवैये से बात शुरू हुई है। मसला ये है कि ये जो हमारी पहले गवर्नमेंट थी नून लीग की,
हम तकरीबन समझ लें कि ये पैच वर्क की अभी भाई ने बात की है, ये तो कोई मसला नहीं था। इधर से हम फ़ोन करते थे और हमारा पैच वर्क हो जाता था। हमारे इलाके आज 3-4 महीने से मैंने एक पैच वर्क की दरख्वास्त दी हुई है, अभी तक हमारे पास वहाँ कोई गाड़ी नहीं गई पैच वर्क करने के लिए। 2 साल में नहीं गई जी, मैं 2 साल में कह रहा हूँ, हमारे पास तो आज तक कोई, देखे ना कॉर्पोरेशन की गाड़ियाँ भी इधर हैं, लाइटें ठीक करने गाड़ियाँ। आप अपनी हुकूमत को भी रगड़ रहे हैं, 2 साल हो गए, पहले तो आपकी हुकूमत। तो हम ये कह रहे हैं कि जो ये लॉर्ड मेयर साहब थे, डिप्टी मेयर थे, इन्होंने क्यों सिस्टम नहीं बनाया? जी बिल्कुल मदीहा, मैं तो ये कहूँगा कि ना जो इकाई है वो इनकी ठीक नहीं है। बुनियादी जो सहूलियात देने वाली मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है, ना इनको नून लीग ने हथियार दिए और ना आने वाली गवर्नमेंट दे सकती है अब, क्योंकि वो अपना मसौदा लाना चाहते हैं, वो अपने मसौदे पर काम कर रहे हैं। और आज जो इनकी असल जो है, इनकी जो झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है, वो मेयर लाहौर के जो उनका रवैया उसके ऊपर हुई है। और मेरा ख्याल है कि इनका जो फंड्स का मसले हैं वो पहले भी इनके चलते रहे हैं और हल होते रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल सही कहा मेरे चेयरमैन भाई ने कि शुरू से इख्तियार दिए ही नहीं गए बल्दियाती निज़ाम को, या बल्दियाती निज़ाम में अगर कोई फंड्स आए हैं तो वो मेयर साहब की सवाबदी थी कि वो उन्होंने किस जगह पर लगाए हैं। मैं बहसीत चेयरमैन यूनियन काउंसिल, तकरीबन 28 से ज़्यादा एप्लीकेशनें मैंने मूव की हैं इधर मेयर साहब के पास। 2 मरतबा विज़िट किया मेयर साहब ने मेरी यूनियन काउंसिल का, और अहकामात मौके पे जारी भी किए हैं। एक कब्रिस्तान की 4 दीवारी थी, और ये जो लाहौर में टॉयलेट वगैरह जो इन्होंने को मनसूबा बनाया था उस हवाले से, और उसमें से और एक हमारे यूनियन काउंसिल में एक कमरे का उन्होंने ऑर्डर फरमान जारी किया था, लेकिन आज तक वो कुछ भी नहीं हो सका। तो मैं तो सिंपल यही कहूँगा कि एक पैसे का भी काम नहीं, बल्कि 2 साल, बल्कि 3 साल हो गए हमें अगर इलेक्शन में आए हुए, और हमारे फिरोजपुर रोड की लाइट्स जो हैं वो अभी तक बंद हैं, जो 2007 में बनाई गई थी 12 साल गुजरने के बाद भी, और 12 साल बाद। सबसे पहले तो मेयर साहब से ये इत्तेजाज है कि वो टेक्निकल आदमी हो सकते हैं, सियासी नहीं है। उन्हें उन लोगों ने सियासी नहीं है, वो सियासी अभी मेच्योरिटी नहीं है, सियासी मेच्योरिटी नहीं है उनमें, उन्होंने साथियों को एकदम सियासी मेच्योरिटी खत्म हो गई उनकी, साथियों को साथ उन्होंने पहले दिन से ये साबित किया है कि इस हाउस की क़यादत जो है ना वो नहीं कर सकते। पीटीआई और नून लीग का मैटर नहीं है, साथियों को साथ लेकर सारी जिंदगी कर्नल गुजारी उन्होंने मेरे खिलाफ 10 FIR 2 दिन में दर्ज हुई है, और उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं कलमा पढ़ के इतने सिलेक्ट किया उन्हें सर, हल बताइए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैंने मेरा फिरोजपुर रोड पे LDA गोल चक्कर बना, जो रोज की बुनियाद पे एक्सीडेंट होते हैं और उधर मर्डर होते हैं, टांगे टूटती हैं। मैंने कुछ 8-10 करारदादे पेश कर चुका हूँ मेयर साहब से और DCO साहब से कि जनाब ये हमारे इधर शारे लगाए जाएं गोल चक्कर पे, या कोई ब्रेकिंग लगाई जाए, या ब्रिज ओवर बनाया जाए, पर कोई काम नहीं हुआ। हम तो 2 साल से उसे नाजीन, आप ये लोग एडमिट कर रहे हैं कि 2 साल से कोई तरक्याती काम हुआ नहीं, जबकि आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अभी 6 महीने तक हो चुके हैं। इससे पहले इनकी अपनी हुकूमत थी और अब ये अपने ही दौरे हुकूमत में सिलेक्ट हुए मेयर के खिलाफ हो चुके हैं। आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी की तमाम तर जो तफसीलात थी आप जान चुके हैं। आज के प्रोग्राम से इजाजत मैं आपसे चाहूंगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान पाइंदाबाद।